शादी समारोह से लौटते वक्त बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में परिजनों और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु छत्रसाल चौक पर शव को रखकर चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बीती रात छतरपुर ईशानगर के बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता छतरपुर शादी समारोह में शामिल होने के पश्चात घर आने के लिए अपनी कार में बैठ रहे थे, तभी एक युवक उनके सर पर गोली मारकर फरार हो गया। अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु छतरसाल चौक पर शव को रखकर चक्का जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इस हत्या के तय तक एडिशनल एसपी की अगुवाई में पुलिस टीम गठित की गई है, जो नेता के पुरानी रंजिशों के बारे में पता कर आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी। जब वो निकल रहे थे लगभग 8:15-8:30 के मध्य इनकी एक अज्ञात हमलावर ने गोली मार के हत्या कर दी है, और इस दौरान इनके साथ एक इनका जो व्यक्तिगत गार्ड था वो भी साथ में था। इस घटनाक्रम पे थाना सिविल लाइन्स में धारा 302 आईपीसी के तहत प्रकरण रात में ही पंजीबद्ध कर लिया गया था। बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया है और वो उनके गृहग्राम के लिए रवाना हुई है। इसमें एडिशनल पी के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई हैं और ऐसे लोगों को रखा गया है जो कि क्षेत्र से और उस ईशानगर में जो इनका पुरानी बुराई चली आ रही है उसके बारे में जानकारी रखते हैं, और सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल डेटा और ग्राउंड पुलिसिंग के आधार पे ये हमारी टीमें काम कर रही हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि बहुत जल्द हम जो भी इसमें हत्यारा है उसके उसको पकड़ लेंगे। कानून व्यवस्था इस समय पे अच्छी चल रही है, मगर ये अचानक धोखे से महेंद्र का किसी ने मर्डर कर दिया। मगर महेंद्र भी इतनी तैयारी से रहता था, पता नहीं किसी ने धोखे ही में कर दिया, नहीं तो बढ़िया तैयारी में चलता था वो। ब्लड प्रूफ जॉकेट वॉकेट वगैरह पहन के निकला करता था वो। तो ये मान के चले आप, किसी आपसी वाले ने बता दिया होगा उसको जब उसने सिर में गोली मारी, नहीं तो साथी आती सीना ही ना में भी तो कहीं मार सकता था वो। वो जिसने भी मारा है उसको पूरा अंदाज था, ब्लड प्रूफ जैकेट वगैरह पहने हुए हैं, इसलिए उसने सिर में गोली। अब पुरानी रंजिश का तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग जुड़े थे, शादी समारोह की बात है, हजारों लोग थे वहाँ पर। हजारों लोग के बीच में केवल कोई बताते हैं कि कोई सिंगल लड़का आया और गोली मार के और मोटरसाइकिल से भाग गया, ऐसा बताया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।